पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठ पर्व। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि का मांगा वरदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिज रज हुनर हाट के मौके पर बोलते हुए कहा कि ब्रिज के क्षेत्र में विकास नहीं रखेगा कोई कमी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आगरा में कहा कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उर्वरक है उपलब्ध, अफवाहों पर न दें ध्यान, जरूरत के मुताबिक करें खरीद। और पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ी। एमपी एमएलए कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को उनके साथियों के साथ दुष्कर्म के मामले में करार दिया दोषी। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा पूरे प्रदेश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नहाए खाए और खरना के बाद छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। छठ पूजा मुख्यतः चार दिनों की होती है। ये कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना पड़ता है। छठ पूजा में आज सूर्योदय से पूर्व छठ पूजा करने वाली महिलाओं ने स्नान करके उदित होते सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया। पात्र में जल भरकर उसमें मिश्री, लाल फूल, कुमकुम, हल्दी डालकर महिलाओं ने अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए प्रभु सूर्यदेव को अर्पित कर आशीर्वाद मांगा। इसके बाद महिलाओं ने दीप और धूप से सूर्य की पूजा की। सरकार के निर्देश पर जहां कल अवकाश घोषित किया गया था, वहीं घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए लोक आस्था के महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्यावरण और जल को सुरक्षित और संरक्षित रखने का पर्व भी है। प्रकृति के साथ किस तरह हमारे पर्व और त्योहार जुड़े हैं, ये इसकी मिसाल है। अस्ताचलगामी सूर्य और उगते हुए सूर्य को ठंडे पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने की परंपरा हमें नदियों, झीलों और तालाबों को साफ रखने की प्रेरणा देती है। छठ पर्व के महत्व को देखते हुए हमारी सरकार ने इस दिन अवकाश की घोषणा की है, जिससे लोग इस पर्व को खुशी के साथ मना सकें। और लोक आस्था से जुड़ी हुई पर्व किस रूप में, ये केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न नहीं है, प्रकृति और परमात्मा से जुड़ने का भी एक माध्यम हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और प्रकृति के साथ अगर ये पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हम सब भी अपने पर्व और त्योहारों को उसी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ मनाने में भी सफल होंगे। याद रखना, चाहे वह नदी हो, तालाब हो, कोई सरोवर हो, इन सब के संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। आप देखते होंगे कि अर्घ देते समय माताएं बहनें जल में खड़ी होकर के उस समय ये नहीं देखती कि कितनी ठंडी है। अभी तो फिर भी मौसम ठीक है, लेकिन बहुत बार जब ठंडी ज्यादा होती है तब भी, या जिन क्षेत्रों में ठंड ज्यादा पड़ रही होगी, भोजपुरी समाज के लोग वहां पर बड़ी आस्था के साथ उसमें भी ठंड की प्रवाह के बगैर वहां पर खड़े होकर के अस्तांचल सूर्य को या उदय सूर्योदय के समय कल अर्घ देने का कार्य भी करेंगे। काफी देर तक उन्हें वहां खड़ा होना पड़ता है। अगर हमारी नदियां प्रदूषित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव उनकी आस्था पर भी पड़ेगा। यह पर्व और त्योहार हमें संकल्प के साथ जोड़ने की एक प्रेरणा भी है कि हम प्रकृति को बचाने के इस अभियान के साथ अपने त्योहारों को जोड़ें, अपने आयोजनों को जोड़ें। एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होगा, मुझे लगता है कि इसका
लाभ हम सबको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए प्रकृति पूजन के साथ हम अपनी लोक आस्था के इन पर्वों को जोड़ पाएंगे तो न केवल वर्तमान के लिए बल्कि अपने आने वाले भविष्य के लिए भी हम एक बेहतर अवसर दे पाएंगे। गाजीपुर में छठ पर्व पर गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखी गई। अस्ताचलगामी सूर्य को पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद की कामना की। महिलाओं ने छठ मैया और सूर्यदेव की आराधना कर सुख शांति की कामना की। डाला छठ के अवसर पर व्रती महिलाओं ने उल्लासपूर्वक आज सुबह अपने व्रत को संपूर्णता प्रदान की। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से व्यापक बंदोबस्त किए थे। श्रद्धा से करेंगे तो आपको पूरा मिलेगा। छठ माई का कृपा, उसमें फूल फल जितना रहता है सब श्रद्धा से आदमी ले आता है और माता रानी को चढ़ाता है और उसका फूल सबको मिलता है। जो करता है उसको भी, जो नहीं करता है घाट पे भी आता है उसको भी प्राप्त होता है। आजमगढ़ में लोक आस्था का महापर्व डाला छठ पूजा का आज उदीयमान सूर्य के अर्घ देने के साथ नहाए खाए व्रत का समापन हो गया। नदी तालाब व पोखरे पर प्रकृति की सबसे बड़ी पूजा छठ को लेकर श्रद्धालुओं और उपासकों में काफी उत्साह देखा गया। कुछ लोगों ने कोविड-19 के संक्रमण के कारण भीड़ से बचने के लिए अपने घरों के बाहर ही ये धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न किया। लोक आस्था के इस पर्व पर आज सूर्य अर्घ देने के साथ ही अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के साथ दीर्घायु होने की कामना की। व्रत रखने वाली महिलाओं ने बताया कि सूर्य को अर्घ देने के बाद आस्था का पर्व छठ संपूर्ण हो गया है। उगते हुए सूरज को इस समय हम लोग ने अर्घ देके उसका छठ का पूजन पूरा कर लिया और पूजा हमने घर ही पर किया है क्योंकि कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ को ज्यादा है, इसी वजह से हमने घर पे ही पोखरा खनवा के पूजा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिज रथ उत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि कान्हा की नगरी से हमारा गहरा नाता है। हमारी सरकार ने मथुरा वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी देश और दुनिया के उनके उपासकों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने मथुरा ब्रिज क्षेत्र के रहने वाले लोगों को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि में निवास कर रहे हैं। ब्रिज के विकास के लिए सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने संतों के साथ भोजन ग्रहण किया तथा उन्हें आश्वस्त किया कि ब्रिज क्षेत्र के देश के सुंदर क्षेत्रों में एक होगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हुनर हाट के माध्यम से लोगों को मथुरा के उत्पाद प्राप्त होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद हेमा मालिनी, कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और लक्ष्मी नारायण चौधरी उपस्थित थे। राधा कुंड, गोकुल और बलदेव को पहले ही तीर्थ स्थल घोषित किया है। ये हमारे सभी पवित्र तीर्थ स्थल हैं और इन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों के साथ हम सब यहां विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। यहां पर अब तक 425 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने धरातल पर उतारने का कार्य किया है। यानी इस पूरे पवित्र स्थल को यहां की पुरातन काया को बनाए रखते हुए नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करना, यह ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां के हमारे मान्य जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में निरंतर कार्य कर रहा है, जिसमें गोवर्धन और वृंदावन की परिक्रमा मार्गों का विकास, पौराणिक कुंडों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण, वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र, गीता शोध संस्थान, ऑडिटोरियम और अन्नपूर्णा भवन का निर्माण, मथुरा में जुबली पार्क में ऑडिटोरियम तथा मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, मुक्ता काशी मंच का पुनर्निर्माण, गोकुल में घाटों का सुंदरीकरण, रसकान समाधि का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण, चिंताहरण महादेव घाट का सौंदर्यीकरण, बरसाना तानंद गांव में पर्यटकों की सुविधा हेतु अनेक विकास कार्य, ब्रज की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद निरंतर प्रयत्नशील है।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आगरा में कहा कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक खाद उपलब्ध है। किसानों को अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जरूरत के अनुसार उर्वरक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर कालाबाजारी की शिकायत मिली थी, जहां छापे डलवाए गए हैं। कई खाद्य विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, कुछ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, कुछ विक्रेताओं से जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर से 8,00,000 मीट्रिक टन DAP किसानों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा निःशुल्क बीज का भी वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। कल मथुरा में हमने परसों छापे डलवाए थे और कार्रवाई करके उनको जेल भी भेज दिया, जहां पर ऊंची कीमतों की शिकायतें आई हैं। कुछ लोगों ने मेरे फेसबुक पर लिखा, लेकिन जब मैंने उनसे मांगा कि स्थान आप हमको दे दीजिए, तो उन्होंने दिया नहीं। तो कुछ लोग जानबूझ करके अफवाह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी किसान हड़बड़ी में आए। लेकिन मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध है। राज्य के भीतर अब तक हम लोगों ने 1.5 महीने के भीतर, यानी 1 अक्टूबर के बाद से लेकर के अब तक 383 लाइसेंस धारियों को हमने कारण बताओ नोटिस डाला है, 175 लोगों को निलंबित किया है, 79 लोगों के लाइसेंस को हमने निरस्त किया है, 198 जगहों पर चेतावनी दी है, 47 दुकानों पर हमने प्रतिबंधित कर दिया है और बिक्री और 8 दुकानों को सील किया है। तो जहां इस तरीके की शिकायतें आई हैं, 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं, तो कहीं पर भी उन्हें इस तरीके की दिक्कत में आने की आवश्यकता नहीं है। समाचारों में और भी है, पहले लेते हैं ये विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता, तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर की निंदा करते हुए कहा कि जो लोग जिन्ना के साथ हैं वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये महाराजा सुहेलदेव के अनुयायी नहीं हो सकते हैं, जो भारतीय सपूतों को नमन करने के बजाय जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं, जिसने भारत को बांटने का काम किया है। उन्हें वोट के ध्रुवीकरण के लिए याद किया जाए, ये भारतीय हितों के खिलाफ है। देखिए, वोट के राजनीति में इतना लोग गिर जाएंगे, इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं किया होगा। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के दुश्मन गाजी के चरणों में जाकर गिरने वाले लोग आज उस जिन्ना जिसने देश का बंटवारा किया, जिसके सर पर देश के को बांटने का आरोप है, उस जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये वो जिन्ना है जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान करके देश के लाखों पिछड़ों, गरीबों, कमजोरों का कत्लेआम कराया हो, उस जिन्ना को महिमा मंडित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री अर्चना पांडे की मां के निधन पर कानून मंत्री बृजेश पाठक ने उन्हें उनके घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पाठक इसके बाद सांसद सुब्रत पाठक के भी घर गए और उनके भाई की डेंगू से हुई मौत पर संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2022 की चुनाव तैयारियों में कार्यकर्ता जुट जाएं तथा केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करें। मेरठ में मोहद्दीनपुर चीनी मिल के पेराई सत्र 2021-22 का शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने किया। गन्ना किसानों के महापर्व पेराई सत्र के पूजन में जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, विधायक डॉ सोमेंद्र तोमर शामिल थे। इस अवसर पर पहले मिल में गन्ना लाने वाले किसान को सम्मानित करके किया गया। मेरठ जिले में 6 चीनी मिले हैं जिनका पेराई सत्र शुरू हो चुका है। शुभारंभ के बाद सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ की सरकार में गन्ना किसान खुशहाल है। चीनी मिले समय पर चलने लगी, बंद चीनी मिलों को चालू किया गया और किसानों का गन्ने का भुगतान भी समय पर किया जा रहा है।
बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि किसान हमारे प्रसन्न रहें, उनका सारा गन्ना समय से पेरा जाए और मिल चलती रहे बढ़िया से। और देखिए, प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में जब से बनी है तो माननीय मोदी जी के संकल्प के अनुसार, उनके कार्य योजना के अनुसार बराबर प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। जो चीनी मिलें बंद थी उनको चालू किया गया, क्षमता बढ़ाई गई, पराई सुनिश्चित की गई, जब तक एक गन्ना भी बचा हुआ तब तक के लिए पराई सुनिश्चित की गई, भुगतान की गति बहुत बढ़ाई गई। तीन तीन साल तक के भुगतान अटक जाते थे, 80% 85% का भुगतान हो चुका है किसान को। तो हमें बॉन्ड की समस्या थी बड़ी बार, इसमें बड़ी एक बेईमानी हुआ करती थी, जो छोटा किसान था, गरीब किसान था, उसका तो पर्ची नहीं लग पाती थी। बड़े जो लोग थे, पैसे वाले थे, चाहे वो किसान हो चाहे अन्य लोग हों, उसके सारे गन्ने को अपने बॉन्ड में शामिल कर लेते थे। तो हमें इस प्रकार से सब दिशाओं में किसान को राहत पहुँचाने के लिए काम हुए हैं और निश्चित रूप से सबका लाभ इस सीजन का जैसे आशीर्वाद हुई है किसान को मिलेगा, हमारा किसान और बेहतरी के साथ आगे बढ़ेगा, गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया गया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके नेतृत्व में मैं कह सकता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गन्ने का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उसको प्राथमिकता पर रखकर आज आप देख रहे होंगे कि समय से हम लोग चीनी मिलें शुरू कर रहे हैं और समय के साथ साथ जब तक गन्ना नहीं डलेगा, जब तक ये मिले, जब से ये सरकार आई है, चलती रहेंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयागराज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद केसरी देवी पटेल ने कहा कि 7 सालों में भाजपा सरकार ने वो काम कर दिखाए हैं जो पिछली सरकारों ने नहीं किया था। मोदी सरकार पर्यावरण को लेकर संजीदा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जमीन को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, जिससे लोगों का जीवन बचाया जा सके। इस अवसर पर पर्यावरण से जुड़े कई डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने लोगों को पर्यावरण बचाने के तरीके बताए। मेरा सौभाग्य है कि मेरे लोकसभा फूलपुर में ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हमारे देश के यूनिवर्सिटियों से डॉक्टर्स लोग आए हैं, वैज्ञानिक आए हैं, हमारे शोध के छात्र और छात्राएं आए हैं, जिनके माध्यम से हमारे ज़िले में इसका प्रचार प्रसार और तेज़ी से बढ़ेगा और इसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, कृषि क्षेत्र में अभी बहुत आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह हमारी सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय दुगुना करने के लिए, इसलिए इसे 2 बार से अच्छी भारी पैदावार हुई है और पैदावार के साथ साथ सरकार हमारी MSP भी किसानों की भलाई के लिए अच्छी दिया है और वो ईश्वर की कृपा से बरसात भी बहुत अच्छी हुई है, इसलिए हमारा किसान भी खुशहाल है। जी, ये सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन जो बंजर भूमि है उसके विकास के लिए, और उस बंजर भूमि का विकास वानिकी उपक्रम यानी पेड़ पौधे लगाकर करना है। कौन सा पौधा किस प्रकार की भूमि में अच्छा वृद्धि करता है, इस पे वैज्ञानिक देश भर के आए हुए हैं, चाहे उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं वहाँ के वैज्ञानिक है, दक्षिण के राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, समस्त वैज्ञानिक, 100 से अधिक वैज्ञानिक यहाँ आकर एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा के बाद एक रिकमेंडेशन बनेगा जो भारत सरकार को भेजा जाएगा और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से वन क्षेत्र बंजर भूमि का सुधार करके बढ़ाया जा सकता है उस पर एक संस्तुति दी जाएगी। MP MLA कोर्ट ने कल चित्रकूट की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत के आरोप में गायत्री प्रजापति और उनके सहयोगियों को दोषी ठहराया है। गायत्री प्रजापति के साथ उनके सहयोगी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी भी इस मामले में दोषी पाए गए हैं। कुछ लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अदालत शुक्रवार को इस मामले में सजा सुना सकती है। फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट सेंटर के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रेजिमेंट ने एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ का आयोजन किया। लखनऊ कैंट से 5 दर्जन जवान व अधिकारियों ने यह दौड़ प्रारंभ की थी, जो लगभग 187 किलोमीटर की दूरी तय कर फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट सेंटर पर पहुंची। यहां पर रेजिमेंट के ब्रिगेडियर इंदर परमार ने सैनिकों का स्वागत किया। आजादी के 75 साल व भारतीय सेनाओं की पाकिस्तान पर स्वर्णिम विजय के 50 साल पूरे होने पर यह उत्सव मनाया जा रहा है। बाद में ब्रिगेडियर इंदर परमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए रेजिमेंट के गौरवशाली अतीत और भविष्य की चुनौतियों पर खरी उतरने वाली अपनी रेजिमेंट की विस्तृत जानकारी दी। इस अल्ट्रा मैराथन के पीछे हमारा उद्देश्य था हमारा 100 साल मनाना, इसके साथ साथ हम अपने वेटरन्स के साथ जुड़ना चाहते हैं और उनको मिले। हम रस्ते में हमारे धावक जगह जगह रुकते आए, हम अपने यूथ से मिले,
उनको राजपूत रेजिमेंट की गाथाएं सुनाई, वीर गाथाएं सुनाई। इसके अलावा हम लोग इस साल बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमारा 100 साल इस साल में मनाया जा रहा है, जिस साल पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75 साल पूरे करने का, और जिस साल हमारा देश 1971 की लड़ाई की विजय का 50 साल मनाने का गर्व महसूस कर रहा है। बुंदेलखंड के पिछड़े जिलों को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण काम प्रगति पर है, जिसका लाभ हमीरपुर जनपद के लोगों को भी मिलेगा। ये एक्सप्रेस वे हमीरपुर से 56 किलोमीटर का दायरा पार करेगा। इसका लाभ हमीरपुर के कई तहसीलों को भी मिलेगा। इसके लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उनकी अधिकतर जमीनों का भुगतान भी किया जा चुका है, शेष बचे किसानों का भुगतान किया जा रहा है। ये एक्सप्रेस वे और साथ में औद्योगिक विकास क्षेत्र आने वाले समय में बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगा। लोगों का पलायन रुकेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आवागमन सुगम होगा, जिसका लाभ हमीरपुर जनपद को भी मिलेगा। जनपद हमीरपुर 56 किलोमीटर की लंबाई में बन रहा है और ये हमारे जनपद की 3 तहसीलों में गुजर रहा है, इसमें राठ, मौधा और सरीला है। और अभी तक जो जमीन ली जानी थी लगभग पूरी जमीन हम लोगों ने ले लिया है, थोड़ी बहुत जमीन बची है उसको लेने की कार्रवाई चल रही है। जमीन के संबंध में कोई विवाद नहीं है, भुगतान भी हम लोग बराबर कर दिए हैं उसका। केंद्रीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में पैरालंपिक ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इस सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए अमेठी से दिव्यांग खिलाड़ी वहां पहुंच रहे हैं। लोगों को समाज में उचित स्थान मिले, इसके लिए उन्हें बस द्वारा इस सम्मान समारोह में भेजा गया है। यहां से जाने वाले कबड्डी खिलाड़ी प्रसन्न है कि उन्हें सरकार इस तरह सम्मानित करके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज से ड्रॉप आउट, आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में बलरामपुर केंद्र पर बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोंडा, महाराजगंज, बलरामपुर सहित 6 जनपद की युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन आय वर्ग के छात्र छात्राओं को बलरामपुर ट्रेनिंग सेंटर पर निशुल्क प्रशिक्षण, 4 महीने की डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के उपरांत प्रशिक्षु छात्रों का बड़ोदरा गुजरात की कंपनी में नियुक्ति हुई है। मोबिलाइजर उमेश पाठक ने बताया कि अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षु जल्द ही जॉब से जुड़ेंगे। ट्रेनिंग के साथ साथ जो भी सेट दी जाती है, बुक्स, कॉपी, सारी चीज़ें मुझे निशुल्क प्राप्त हुई और मेरा ये जो 4 महीने का कोर्स है पूरा हुआ और मेरा ज्वाइनिंग अच्छे से गुजरात में एक अच्छी से FSL कंपनी में हुआ है और इसके लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। यहाँ से हम लोगों को पढ़ाई करने के बाद 6 महीना ट्रेनिंग किया है GDA का। यहाँ से GDA का ट्रेनिंग करके 6 महीने बाद हम लोग जॉब करने के लिए कहीं बाहर जाएंगे, वहाँ से हम लोगों को रोजगार मिलेगा और हम लोग अपने आप पर खुद पर विश्वास के साथ जॉब करेंगे। प्रेजेंट टाइम पे मैं बलरामपुर सेंटर में हूँ। यहाँ हमारी 4 महीने की ट्रेनिंग थी जो कंप्लीट हो चुकी है और आज मैं बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ गुजरात में मेरा कोजेंट कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने सेंटर का भी और मुख्यमंत्री का भी और प्रधानमंत्री जी का भी। मतलब मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ, उसी तरह आने वाले जो हमारे भाई बहन हों उन लोग भी मतलब आत्मनिर्भर हों, जॉब से मतलब जुड़े। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं 18 साल से 25-30 साल के बीच में, जो कि 10वीं पास करने के बाद में अपने घरों में किसी रोजगार ना होने की वजह से जो अपने घरों में बैठे होते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे सिचुएशन के लिए जो है हमारी सरकार द्वारा जो है ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो बेरोजगार बच्चे हैं वो यहाँ पे आने के बाद में कुछ सिलेक्टेड ट्रेड में ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद में वो जो नेशनल या मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनमें वो रोजगार प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जनता को समर्पित करेंगे। एक्सप्रेस वे से कैसे बदलेगी पूर्वांचल की तस्वीर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल दो एक्सप्रेसवे बनी थी, आगरा नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये दो एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई पड़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा लगभग बन के तैयार है, अगले महीने हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाएंगे। यानी ये आज एक्सप्रेसवे का एक संजाल यूपी के अंदर बना करके यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन के रूप में स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे और इसी के साथ ही राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक का पूर्वांचल एक्सप्रेस जनता के लिए खुल जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से प्रदेश के 9 जिले जुड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे लखनऊ के अलावा सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ, बलिया और गाजीपुर शामिल हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद तकरीबन 340 किलोमीटर की दूरी को 3.5 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे के सुल्तानपुर में पड़ने वाले मार्गों पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है जिसका इस्तेमाल आपातकालीन हवाई लैंडिंग के लिए किया जा सकेगा। जैसा कि आप अवगत हैं कि मोस्ट प्रोबेबली 16 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के लिए जनपद सुल्तानपुर में आएंगे और यहीं पे क्योंकि एयर स्ट्रिप बना हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के साथ साथ वहां पर एक एयर शो भी आयोजित होना है। इसी की तैयारियां पिछले 2 महीने से और इसका जो तैयारियों में जो तेजी आई है पिछले 1 सप्ताह से आप देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचने का रास्ता आसान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पहले लखनऊ और फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा पहुंचना और उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली पहुंचना आसान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने से क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। निवेशकों के लिए पूर्वांचल में निवेश के रास्ते आसान होंगे। पूर्वांचल के ऐसे जिले जो अभी तक विकास के नक्शे में गायब रहे थे उन जनपदों की भी तस्वीर बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिज रज हुनर हाट के मौके पर बोलते हुए कहा कि ब्रिज क्षेत्र के विकास में नहीं रखेंगे कोई कमी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आगरा में कहा कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उर्वरक है उपलब्ध, अफवाहों पर न दे ध्यान, जरूरत के मुताबिक करें खरीद। और पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ी, एमपी एमएलए कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को उनके साथियों के साथ दुष्कर्म के मामले में करार दिया दोषी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।